कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ पहलवान लामबंद हो चुके हैं और लगातार 3 दिन से धरना प्रदर्शन जारी। आज उनका 3रा दिन है, जिसको देखते हुए जो हैवी डिप्लॉयमेंट है वो यहाँ किया गया है। बताया जा रहा है कि हरियाणा से खाप पंचायत भी यहाँ पर पहुंच सकती है और इनके समर्थन में आ सकती है। उसी को देखते हुए आज यहाँ पे हैवी डिप्लॉयमेंट किया गया। आप देख सकते हैं यहाँ पर भारी पुलिस फोर्स तैनात है। अमूमन यहाँ पर इतनी फोर्स नहीं रहती है, लेकिन लगातार चल रहे धरना प्रदर्शन को देखते हुए और लोगों की भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है, उसको देखते हुए किसी प्रकार का कुछ अनहोनी ना घटे, उसको देखते हुए यहाँ पर सुरक्षा के दृष्टि से, चूंकि 26 जनवरी पास में ही है, उसको देखते हुए भी यहाँ पर हैवी डिप्लॉयमेंट किया गया है। यहाँ पर बता दें कि जो कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष हैं उनके खिलाफ पहलवान लामबंद हो चुके हैं। लगातार 2 दिन से यहां धरना पर मौजूद थे, आज 3रा दिन है। हालांकि खेल मंत्री से उनकी एक दौर की मीटिंग भी हुई है, जो कि मीटिंग असफल हुई है। आज भी उनको खेल मंत्री अनुराग ठाकुर के पास मिलने जाना है, जो कि 10:30 बजे के आसपास मिलने का समय बताया गया है। जो पहलवान है वो यहाँ पर धरना प्रदर्शन पर एक बार फिर से यहाँ 3रे दिन मौजूद रहेंगे और अपनी मांगों को लेकर यहाँ आते ही मौन धारण रखेंगे। उसके बाद फिर खेल मंत्री अनुराग ठाकुर से मिलने की समय दिया गया है। उसके बाद फिर अपना जो भी निर्णय होगा वो मीडिया के सामने बताएंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए। फिलहाल यहाँ पर हैवी डिप्लॉयमेंट किया गया है। किसी भी घटना दुर्घटना से निपटने के लिए पुलिस बल यहाँ पर तैनात है। कैमरा पर्सन नदीम के साथ अंशुमन यादव, टीम इन